सो गाइस आज है नेक्स्ट डे। कल रात हमने डिनर किया था और सब जल्दी सो गए थे क्योंकि थक गए थे, तो आज नेक्स्ट डे आज हम सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, चने और पूरी खाया है आज हमने। आज पहला नवरात्रि भी है तो हम सोच रहे हैं कहीं ना कहीं घूमने जाएं, हो सकता है हम गर्जिया मंदिर जाएं, अभी हमने डिसाइड नहीं किया है। तो अब सभी रेडी हो चुके हैं, मेरे को भी रेडी होना है, फिर बताते हैं आपको हम कहाँ जाना है आज। तो थोड़े में मिलते हैं। अनप्रीत भी रेडी हो गई है, मम्मी भी रेडी है, दीदी भी हो रहे हैं, मैं ही बची हूँ बस, होती हूँ जल्दी। गाइस हम सब हो गए हैं रेडी, अब निकलते हैं घूमने। सब बैठने लगे हैं, चलो बैठो बैठो। मट्टू हमारा सो गया पहले ही, बैठते हैं गाड़ी में। ये उठ गए हमारी मट्टू। गुल्लू कहाँ जा रहे हैं? गुल्लू की गुड मॉर्निंग अब हुई है। बोलो हेलो गाइस। सो गाइस यहाँ हमने स्टार्ट की अपनी जर्नी गर्जिया मंदिर जाने के लिए, और ये है रामनगर का मार्केट। हम मार्केट से होते हुए जाएंगे गर्जिया मंदिर। आज काफी रश है मार्केट में क्योंकि पहली नवरात्रि है। और ये हम पहुंच गए हैं लखनपुर चुंगी, और ये जिस रोड पर हम जा रहे हैं इसे रानीखेत रोड बोला जाता है। जो लोकल के हैं वो तो जानते ही हैं इसके बारे में, बाकी जो नहीं जानते हैं मैं उन्हें बता रही हूँ। यहाँ पर रामनगर शहर का एंड हो जाता है और यहाँ से पहाड़ी एरिया स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा सा आगे जाके पूरा जंगल है, बने रहिएगा गाइस एंड तक वीडियो में। यह है फॉरेस्ट विभाग का चेक पोस्ट, यहाँ से पूरा हैवी जंगल डेंस जंगल स्टार्ट हो जाता है। सो गाइस ये जो एरिया है यहाँ पर हाथी मिलना आम बात है, और यहाँ से सारे रिजॉर्ट स्टार्ट हो जाते हैं। अब तो काफ़ी रिजॉर्ट बन गए हैं रास्ते में, सो इतनी डर वाली बात नहीं है, अब चहल पहल रहती है इस रोड पे। हाँ बस थोड़ा रात में डर है जंगली जानवरों का, वो भी अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो, अगर आप कार से हैं तो ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है। गर्जिया मंदिर के रास्ते में एक छोटा सा मंदिर भी पड़ता है, आप यहाँ भी मत्था टेक सकते हैं। और साथ ही यह है पुल जो कि बहुत पुराना बना हुआ है, और इसके नीचे बहुत ही गहरी खाई है, काफ़ी हाइट पर बना हुआ है ये पुल। अब यहाँ से बहुत ही थोड़ा डिस्टेंस रह जाता है गर्जिया मंदिर का।
और ये आ गया है गर्जिया मंदिर का गेट। यहाँ से लगभग हाफ किलोमीटर है मंदिर। मंदिर पहुँचते ही राइट हैंड साइड पे पार्किंग है और सामने ही काफ़ी सारी शॉप्स हैं जहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। हम सब पहुँच गए हैं गर्जिया मंदिर, अभी चलते हैं दर्शन करने। वैसे क्या चाहिए? सो गाइस पहुंच गए हैं हम गर्जिया मंदिर, चलते हैं आगे थोड़ा। मेरे साथ आओ। ओ मैं आई, मैंने तेरे को तेरे गिफ्ट दे दिए। ये हम जा रहे हैं गर्जिया मंदिर, बस पहुंच ही गए। दादी जय श्री राम। दादी क्या है लेज? अरे वो कर देना फिर, वो यह एंट्रेंस। जय माता दी। आज गाइस पहला नवरात्रि है तो थोड़ी सी भीड़ है आज। वाओ ब्यूटीफुल व्यू है। Andreep is enjoying. See? Tata. हेलो फ्रेंड्स, ये आगे हम गर्जिया मंदिर विच इज़ एट रामनगर, और हम आज फैमिली गर्जिया नदी में एंजॉय कर रहे हैं। हमारी छोटी अनरीत एंजॉय कर रही है। अनरीत टेकने टेंपल में गर्जिया माता मंदिर में, जो कि उस साइड है, आप देख रहे होंगे वीडियो में, जो हम वहाँ जाते हैं मत्था टेकने, और मत्था टेकने के बाद आपसे मिलते हैं। ओके, मजा आया आपको? चलो बहुत एंजॉय किया। आओगे जल्दी आओगे ना? और फ्रेंड्स आप लोग भी यहाँ पे आइए, रामनगर आए और गर्जिया मंदिर में आए तो भैया आप बहुत कुछ मिस कर दिया आपने। सो
फ्रेंड्स आप यहाँ जरूर आइएगा जब भी रामनगर विजिट हो आपका, यहाँ जिम कॉर्बेट पार्क। आज अभी तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन आज हम गजिया मंदिर आए थे और सीरियसली वाकई हमने बहुत इंजॉय किया, और फैमिली के साथ तो बहुत ही मज़ा आता है। सो आप इस पार्ट को मिस कभी मत करना, यहाँ आए तो जरूर विजिट करना, और माता के दरबार में मत्था जरूर टेकना। हाँ, माता के दरबार में मत्था जरूर टेकना, और जल्दी हम कॉर्बेट पार्क भी जाएंगे हम सब, उसका भी वीडियो आपको जरूर दिखाएंगे।